हेलो गाइस, चलिए आज बनाते हैं टेस्टी बरबट्टी भरता। आप लोग बरबट्टी को ऐसे बना के देखिए, क्योंकि जो लोग बरबट्टी नहीं खाते वो भी आज के बाद उंगलियां चाट के खाएंगे। बरबट्टी लीजिए, मैंने यहाँ पे 300 ग्राम के करीब बरबट्टी लिया है। अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। अब बरबट्टी पीसेस को अच्छे से 2-3 बार वॉश करें और दूसरे बोल में डालें। अब कढ़ाई में बरबट्टी और 1/2 कप पानी डालें। ज्यादा पानी यहाँ पे यूज नहीं करना है। अब ढक्कन लगा के बरबट्टी को बॉईल कर लीजिए। बरबट्टी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसे निकाल लीजिए। अब गरम कढ़ाई में 1/4 कप सरसों का तेल डालें, उसमें 7-8 लहसुन, 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज, 3-4 हरी मिर्च ऐड करें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। फ्राइड प्याज, लहसुन और मिर्च को निकाल लीजिए। अब सब कुछ एक ग्राइंडर में डालें और ग्राइंड कर लीजिए। बॉइल्ड बरबट्टी को भी ऐड करें और फिर से ग्राइंड कर लीजिए। बरबट्टी पेस्ट एकदम रेडी है। अब कढ़ाई में 2-3 टेबलस्पून ऑयल डालें, उसमें एक सूखा लाल मिर्च, काला जीरा ऐड करें। अब बरबट्टी पेस्ट को डालें। कंटिन्यूअसली चम्मच को चलाते रहे। फिर हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक्स्ट्रा मसाले का पानी ऐड करें और कंटिन्यूअसली चम्मच को चलाते रहिए। बरबट्टी भरता ऑलमोस्ट रेडी है। अब गरम मसाला ऐड करें। लास्ट में चॉप किए हुए धनिया के पत्ते ऐड करें और मिक्स कर लीजिए। अब गैस को ऑफ करके 3-4 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख दीजिए। अगर बरबट्टी भरता है तो आपको कोई अदर डिश की जरूरत नहीं है, पूरे चावल के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।